मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा स्थित माँ मनोकामना दुर्गा मंदिर में इस वर्ष नवरात्रि के अवसर पर उड़ीसा के राधा कृष्ण मंदिर के स्वरूप का मुख्य द्वार बनाया जा रहा है। इसे होकर श्रद्धालु 90 फीट ऊंचे पर पूजा पंडाल में प्रवेश करेंगे। कारीगर मुख्य द्वार व पंडाल को भव्य बनाने में जुटे हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जहां सजावट के लिए भी विशेष कारीगरों को बुलाया गया। पंडाल की सजावट फूलों से होगी, जबकि पंडाल के आसपास का इलाका रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। साथ ही पंडाल की सजावट के लिए साज सज्जा की सामग्री यूपी के सहारनपुर से मंगाई गई। समिति के अध्यक्ष प्रमोद सिंह, सचिव घनश्याम सिंह समेत उप सचिव मनोज सिंह, कोषाध्यक्ष संजय सिंह सह कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, सदस्य राजा किशोर सिंह, रोशन सिंह, आदर्श कन्हैया सिंह, मुन्ना सिंह एवं अन्य सदस्य आयोजन को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित रमेश मिश्र ने बताया कि इस बार 45वें वर्ष धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पूरे विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाती है। कलश स्थापना के साथ साथ सृष्टि के दिन बिल्व निमंत्रण के साथ गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। कन्याओं के पूजन का भी विशेष विधान है। स्थापना कलश स्थापना का विधान जो है सुबह 6:15 बजे से करके 9 बजे तक, और इसके बाद 9:30 तक का समय बहुत अच्छा है, और इसके बाद पूरे दिन रहेगा। कल 12 से 1 बजे छोड़ दीजिए। क्या आगमन है इस बार? इसका आगमन, इस बार आगमन जो है सो माँ डोली भी आ रही है। इसमें हर भक्त को चाहिए कि बड़े शुद्ध सौम्य सुसंस्कृतज्ञ होकर के और बड़े स्वच्छ ढंग से पूजन पाठ करें, ज़्यादा फलदायी होती है। इस बार यहाँ पे मंदिर में जाकर विशेष है, किस तरीके से हर साल की भांति इस साल भी विशिष्ट ढंग से पूजन की विधान है, और इसमें इस बार जो है सो हर साल अपने अपने स्तर का देश के विभिन्न कोने कोने के मंदिर का प्रारूप तैयार होता है। इस बार उड़ीसा के राधा कृष्ण मंदिर के तर्ज पर यहाँ का पंडाल बन रहा है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाई IAO एंड एफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।